फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पढ़ रहा हूँ और वहाँ से बैचलर कर रहा हूँ। बीएचयू विश्व का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो बहुत बड़ा है, पैदल नहीं चल सकते, तो हम लोगों के लिए बस की सेवा है और वो बस की सेवा के लिए हम बैठे हैं बस में। और न जाने किसकी दस्तक होती है, अच्छा अच्छा दस्तक हुई है एक कन्या की जिसने पिंक कलर का सलवार कमीज पहना है, हाथ में सुंदर सा ब्रेसलेट, आंखें ना जाने क्यों मुझे ही घूर रही है ऐसा मुझे लग रहा है, और वो धीरे धीरे मेरे समीप आ गई। अब पहली नज़र में पहला प्यार किसको कहते हैं मुझे नहीं पता, और प्यार किसको कहते हैं वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आज मेरा दिल ना जाने बहुत धक 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 कर रहा है। मुझे डर नहीं लगता लड़कियों से, मुझे एकदम डर नहीं लगता, आज नज़रें चुरा रहा हूँ, अगर उसकी नज़रें गलती से मेरे पे ना पड़ जाए, लेकिन उसको देखना चाहता हूँ और उसको ऊपर से नीचे निहार रहा हूँ कि उसके साथ कौन है। और एक लड़की तौरी से उसके पास आती है और सबको डांट रही है, हमें सीट दे दीजिए, हमें सीट दे दीजिए। मैं क्योंकि बैठा हूँ सबसे पहले खड़ा हो गया, बोलता हूँ मैम प्लीज़ आप आ जाए। उनको वहाँ बैठा के बहुत सुकून से मिलती है। अब तो हम अपने डिपार्टमेंट उतर गए, लेकिन वो इमेज उनकी झलक आज भी मेरे आंखों में है और मैं ढूंढता हूँ कहाँ। तो मैंने पता लगाना शुरू किया कि कहाँ मिलेंगी वो। बीएचयू में 140 डिपार्टमेंट, 16 इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टीज। अब मैंने बस में देखा है, कार ढूंढूँ उसको, तो मैंने किया क्या, फेसबुक पे सर्च करने की कोशिश की, नाम नहीं पता था, गेस करना शुरू किया, प्रियंका, सुमेधा, प्रिया, सुवाक्षा, सब डाल डाल के देख लिया, लेकिन उनकी तस्वीर नहीं दिखी मुझे। अब क्या था, एक ही ऑप्शन था कि डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जाऊं और सबसे पूछूं कहीं वो लड़की मुझे दिख जाए। किया भी मैंने यही, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। शुरुआत मैंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डिपार्टमेंट से की और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाके वो खत्म हो गई। और खत्म ऐसे हुई कि लंच का टाइम था और बड़खुदार खुद ही चल के मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने उनको देखा और केवल सुन रहा था कि वो क्या बातें कर रही हैं। तो मुझे से वो बोल रही थी, यार फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट मेरे को एकदम समझ नहीं आते, नहीं पता मैम क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है, हमेशा बोलती है प्रियंका तुम क्यों नहीं सुनती हो, प्रियंका तुम क्यों नहीं सुनती हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब इस बात से मुझे ये तो समझ में आ गया था उनका नाम प्रियंका है और वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ती हैं और फिजिक्स में बीएससी कर रही हैं। अब क्या था, दिन भर अपनी क्लास को भूल के उनके क्लास के दर्शन लगाया करता था, सुबह एक बार, दिन में एक बार और शाम में एक बार। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और एक दिन फिर बस में मुलाकात हुई और इसी दौरान होली का समय आ गया। होली आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बनारस में भांग प्रसाद की तरह लोग बनाते हैं और भांग का गतूरा तो शिव को चढ़ता है। ऐसे ही मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, आयुष चलो आज भांग ले के देखते हैं। मैंने कभी लिया नहीं था और जोश जोश में लेने का प्रयास कर लिया। हालत ऐसी थी मेरी कि सब सच निकल रहा था। रात का समय है और मैं हॉस्टल के गेट पे सोया पड़ा हूँ, पूरा शरीर मेरा गीला है और जोर जोर से प्रियंका का नाम ले रहा हूँ कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है। आज तक तो केवल मुझे पता था कि मुझे प्रियंका से प्यार है, आज मेरे पूरे हॉस्टल को पता चल गया है इस शख्स को किसी से प्यार है, उसका नाम प्रियंका है। और ये हवा इस तरीके से फैली कि प्रियंका को भी पता चल गया कि मुझे उससे प्यार है। अब बस में एक दिन मुलाकात हुई, वो मेरे पास चल के आई, मुझे नहीं देखी ना, मैंने उनको देखा क्योंकि नाम पता था कि उनको पता चल गया। मैं सीट पे ऐसे हाथ रखा हूँ, उनकी हाथ मेरे हाथ पे आई, आज पहली बार मैंने छुआ था। आज तो मन के हाथ काट के रखूँ, हाथ को ऐसे काट के रखूँ कि किसी